हेलो गाइस, तो आज मैं कॉलेज गया था, तो कॉलेज जाते ही मुझे पता चला कि कुछ आर्मी लोगों का कुछ यहाँ पर आया हुआ है जोरहाट में, तो देखने के लिए मैं भी चला गया। तो जाते ही मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो मैंने आज तक देखी नहीं थी। प्लस यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो बहुत फ्रेंडली थे, बहुत कुछ बताते भी थे कि जो ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। प्लस वो बने बहुत अच्छे से गाइड भी करते थे कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है। प्लस वो ड्रिल करके भी दिखा रहे थे, तो मैंने कुछ शूट भी कर लिया वीडियोस जो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक ये क्या गन है, इसे अभी ये लोग दिखा रहे हैं। और साइड में एक बोर्ड है, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि वो कितना गन कितने केजी किसका है, प्लस वो कैसे क्या स्टील कितना है, क्या है, कैसे बना है, कितना रेंज है इसका, ये सारा डिटेल्स उसमें लिखा हुआ है। तो कोई पढ़ना चाहे तो उसे भी पढ़ सकता है। प्लस बहुत अच्छे से मैंने वो लोग मैंने बातचीत करते हैं, प्लस उनका बिहेवियर इंडियन आर्मी का बात ही अलग है। प्लस ये एक टोप है, तो इसका भी ड्रिल दिखाया है, इसका ड्रिल को आप देखिए बस। उसके बाद से मैं आप लोगों को उधर का फील्ड का ये नज़ारा दिखाता हूँ। उसका नज़ारा तो भाई साहब, तो आप देख लीजिए पहले। ओ ये आगे के ऑफिसर भी शूट कर रहे थे, मैं भी इधर से शूट कर रहा था। वाह, पहले कुछ इधर से घुसा के उधर से फायर करते, मुझे लगा मैं भी एक बार फायर करके देखूँ मैं क्या बोलूँ। उसके बाद सोचा ना भाई ठीक है, वो उनका स्पीड देखिए एक बार। बहुत लंबी थी, सबसे लंबी तोप यही थी यहाँ पर। इसका नाम भी लास्ट में इन्होंने बताया है कि नाम क्या था, कितना रेंज है, कुछ कुछ बातें इन्होंने बताई हैं मेन ऑफिसर्स जो हैं यहाँ के। जैसा कि आप देख रहे हैं एक आर्टिलरी वेपन सिस्टम जो कि आपके सामने 105 mm इंडियन फील्ड गन, इसके टारगेट को कैसे एंगेज किया जाता है, कैसे फायर किया जाता है, उसका एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा। नंबर 1 टारगेट यूटिलाइज अटैचमेंट फियर फिनोमिनियर सब लोग शूट करने में बिजी थे। इस पर इस तोप का देखिए एक बार, बाप रे क्या तोप है। मेड इन इंडिया से, इसका नाम ही एक्चुअली 105 mm इंडियन फील्ड है। ये तोप देखने के बाद मैं जाने के टाइम में एक कुत्ता, कुत्ता नहीं उसका भी नाम होगा, कितना क्यूट है। उसके बाद इंडियन आर्मी का चीता और ये एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स,
रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। ये मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त थे, तो क्लास नहीं हो रहा था तो सब लोग आ गए, तो क्लास क्लास बंक करके भी आप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे आके तो ये सभी देख रहे थे, हम नॉलेज गेन कर रहे थे अपना। उसके बाद से ये डॉग शो, क्या भाई आगों के बीच में दौड़ दौड़ के पार हो रहे हैं, आप देखिएगा इसमें एकदम। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसका ऐसा देखा ओ इधर से पार हो रहा है उसका सब, अभी देखिएगा अभी इधर से जाएगा। अभी 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 जाएगा अभी, देखिए एक ऑफिसर साथ में एक तो दौड़ता है प्लस वो डॉग दौड़ता है, वो तो जंप 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 बोलने से वो जंप भी करते हैं, उसका बाद से ये पार हुआ। क्या स्पीड है, दुश्मन के तो छक्के उड़ा देंगे वो। ऐसे करके वहाँ पर कितने तीन चार या चार डॉग जैसे होंगे जो ऐसे करके बिल किया, पार होगा अभी। मैं तो बहुत मज़ा आया आज, मैंने हम वहाँ पर एक दो घंटा जैसा था वहाँ पर, लेकिन ऐसा भी नहीं लगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या क्या, मैंने इतना अच्छा लगा ना मुझे मैं बता नहीं सकता। मैं यहाँ के ज़्यादातर ये हमारे मेरे कॉलेज के ही लड़के लोग हैं, लड़का लड़की सब लोग आए हैं। यहाँ पर एक डॉग था, ये डॉक्टर थोड़ा सा थोड़ा एले हुआ, मैंने थोड़ा बोल सकते हैं, मैंने इधर यहाँ तो यहाँ से अभी दौड़ेगा फिर वहाँ में जंप, एक जंप करेगा दूसरा जंप में फिर रुक जाएगा, जंप ही नहीं करता है ये, जंप में रुक गया। तो कोई कोई डॉग होते हैं वो भी बहुत दूर से ट्रेवल करके आए थे आए होंगे, इसलिए कोई कोई इतना ये एक्टिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन भाई साहब जो है उनका पावर, दुश्मन सामने आया तो वो ख़त्म सेस टाटा बाय बाय। ये देखिए इसे इनाम मिला होगा, उसके बाद से बहुत सी चीज़ें हुई यहाँ पर तो, और एक टू कुछ एक टू ड्रिल भी हुआ, उसके बाद से यहाँ पर और भी गन बायनाकुलर ये सब बहुत सी चीज़ें थी। और एक हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ, ये देखिए ये हेलीकॉप्टर का नाम कुछ ध्रुव ध्रुव था नहीं क्या, ध्रुव ध्रुव एडवांस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये भी एक हेलीकॉप्टर भूमि है। और यहाँ पर कुछ कैंटीन सेंटीन था जो स्टूडेंट्स आते हैं तो कुछ खाने पीने के लिए, तो हमें इतना कुछ पसंद नहीं आया खाने के लिए तो इसलिए हमने कुछ खाया नहीं है हमें। फिर हमने दूसरी जगह सोचा थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, तो और एक हेलीकॉप्टर ये रहा सबसे मज़ा। अच्छा मुझे ये भी लगा, ये लगा और एक तो सबसे आगे जो मैंने दिखाया था चीता वो लगा, ये वाला ठीक है, ये वाला सबसे हैवी हेलीकॉप्टर बोलने से सबसे ये आया था एक, इसका नाम तो क्या था 20mm टारगेट गन इसमें है, मतलब रुद्रा रुद्रा ये रुद्रा था इसका ये हेलीकॉप्टर का नाम, तो ये भी अच्छा है। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए थे तो ऑफिसर्स बोल रहे हैं इतना सामने मत जाओ इतना सामने मत जाओ, तो कहाँ स्टूडेंट कहाँ सुनते, हम लोग तो जा के फ़ोटो वोटो क्लिक किए और फिर तो अच्छा लगा आज, एक्सपीरियंस अच्छा था। और इन लोग का पोलाइटनेस देख के हम लोग को बने एक लगा कि हाँ हमें भी जाना चाहिए, हमें भी देश की सेवा करनी चाहिए। ये रहा ये एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स, और यहाँ पर बिल हो रहा है
इनका आवाज़ सुने, वो गुर्रा में लगे का आवाज़ सुन लेगा भाई। खूब बयान नहीं कर सकता मैं, उसको हम चाहेंगे चलो। ये आगे वाले को मार के उसके पास से फिर आगे एक जाते हैं, तो आगे में और एक तो ये रखा हुआ है कुछ उसको था मारने के लिए। पहले वो घुसाते हैं जो गन के आगे में रहता है वो चाकू टाइप का, वो घुसा के उसके पास उसको घुमा देते हैं। दुश्मन तो ख़त्म शेष। उसके बाद से ये सारा जो ऑफिसर्स है ऐसे करके ही ये पूरा करते हैं, दो दो करके जाते हैं। उसके बाद से फिर मारते हैं, फिर आगे जाके मारते हैं। फिर ड्रिल देखने के बाद हम लोग थोड़े और एक्सप्लोर करने के मूड में आए, तो थोड़ा साइड में और टैंक सेंक रखा था तो उधर में देखने के लिए चले गए। तो ये टैंक था एक, यहाँ पर कुछ ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये इसकी रेंज क्या है, इसका पावर कितना है, कि गन क्या चीज़ से बनी हुई है, सारा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। और भाई क्या लुक है उसका। उसके बाद से ये कुछ मेरे दोस्त और ये यहाँ पर गन के साथ बहुतों ने फ़ोटो ली इस गन के साथ। तो ये गन नहीं, मिसाइल बोल सकते हैं, हाँ इसको मिसाइल ही है। तो ऐसे करके फ़ोटो लिया बहुत लोगों ने। चलिए आगे आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आगे में एक ये क्या यही जेट प्लेन या वह एरोप्लेन जो भी होता है, जो रेडियस में होता है इसका, वो डिटेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो ये भाई इंडियन आर्मी का जो कलर होता है ना, उसी में एक स्वैग है भाई साहब। और ये देखिए, ये तो मुझे उस टाइप का लगा को वो जो KGF में दिखाता है जे वो गंडू, एकदम घूर घूर निकलते रहता है गुली गन से, उसी टाइप का ये भी लगा उसके। तो और ज़्यादा कुछ नहीं था इधर में, तो इधर में कुछ बाइनोकुलर व रात को देखने के लिए कुछ कुछ जो ये होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं दुश्मन को देखने के लिए, तो वो कुछ इधर में कुछ कुछ था रखा हुआ, तो उससे हम लोगों ने कुछ कुछ देखा। और कुछ फ़ोटोस वोटो क्लिक कर रहे थे इधर में, तो वही इधर में सारा चीज़ रखा हुआ था। तो ज़्यादा इधर में फ़ोटोस वोटो या शूट वूट करने नहीं दे रहे थे, तो मैंने भी उतना शूट नहीं किया। तो थोड़ा आगे में और गन सन भी पकड़ के देखने के लिए दे रहे थे कि कैसे गन पकड़ा जाता है, कैसे क्या सिखाया थोड़ा हमें। और फिर ये कुछ सी लेवल में यूज़ करने वाली कुछ चीज़ें थी जो यूज़ करते हैं इंडियन आर्मी, प्लस ये ऑक्सीजन और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस यही सब था। और हम लोग उसका सीधे में फ़ोटो मारने के लिए कुछ आ गए, तो ये कुछ अट्रैक्टिव लग रहा था, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर भी फ़ोटो शूट किया। तो बस इसी तरह से आर्मी मेला भी ख़त्म हो गया था। तो लास्ट में गए, यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी तो इसे भी देख लिया गया। उसके बाद से हमारा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, और सॉरी अगर कुछ ख़राब लगा होगा तो, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। और अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, इंडियन आर्मी की जय। टाटा।